फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह, वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ZRF। आज हम डिस्कस करेंगे, DSSB का पेपर है ये 2015 का, होम साइंस का। तो अगर आप ये दिल्ली बोर्ड वाले एग्ज़ाम के लिए TGT या PGT उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिट है। बट अगर आप किसी भी यहाँ भी अगर आप TGT या PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो ये DSSB का जो एग्ज़ाम का लेवल आता है ये थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का पेपर आते हैं। तो अगर आप नॉर्मल यहाँ जो TGT की या PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये पेपर का जो PDF है आपको मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, ये पेपर सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि ये पेपर देखो, एक यहाँ पे क्वेश्चन ये दो सेक्शन में, मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन पैरेलल में, एक दूसरे के पैरेलल में आ रहे हैं, उनको हम एक साथ में सॉल्व करते चलेंगे, इससे टाइम थोड़ा कम लगेगा। सो पहला क्वेश्चन क्या है, द वर्ड टेक्सटाइल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो ये वर्ड है टेक्सटाइल, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो वो लैटिन वर्ड कौन सा है, जो ये टेक्सटाइल्स है, ये टेक्सटीलियास, जो टेक्सटीलीज है, इस वर्ड से लिया गया है। और इस यहाँ पे वो वर्ड तो दिया नहीं है, तो उस वर्ड का सिंपल सा मीनिंग क्या है, वूवन। तो यहाँ का जो आंसर है वो है वूवन। जो टेक्सटाइल का जो वर्ड है, जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसका मीनिंग है वूवन। अब हम ये पैरेलल में, इसके ये क्वेश्चन है तो हम ऐसे बराबर में इनको साथ में सॉल्व करते चलेंगे। प्रॉपर्टीज आर ऑफ बायोलॉजिकल इन नेचर ऑफ फाइबर। बायोलॉजिकल मीन्स जो नेचर में अगर मीन्स डिग्रेड हो जाए, जो भी फाइबर है, ठीक है, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ये है कि जो वो नेचुरल कंडीशन में डिग्रेड हो जाए या ख़राब हो जाए तो जो है नेचर को या एनवायरनमेंट को हार्म ना करे कोई, और जो कि इजीली बायोडिग्रेडेबल हो, मीन्स जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनकी वजह से, या फिर कुछ भी जो इकोनॉमिकली या जो नेचुरली प्रेजेंट है उन चीज़ों से डैमेज हो जाए, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नेचर या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो रेसिस्टेंस टू मिल्ड्यू, ये मिल्ड्यू भी कपड़े को है, जो फाइबर है उनको ख़राब करते हैं। इंसेक्ट्स, सनलाइट, रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, रेसिस्टेंस टू सनलाइट, तो ये जो इसका आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव, मीन्स जो कीड़े हैं या जो मिल्ड्यू है या सनलाइट है, इन सब का असर जो है, इन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है ये जो फाइबर है उस पर। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ स्टेपल फाइबर इज़ मेजर्ड इन। जो स्टेपल फाइबर है उसको हम मेज़र करते हैं इंचेस में या सेंटीमीटर में। दो ये फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेपल, दूसरा होता है फिलामेंट। एक सिल्क को, रेशम को छोड़ के बाकी जितने भी नेचुरल फाइबर हैं ये सभी स्टेपल फाइबर हैं, और एक सिल्क ही एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जो कि फिलामेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो स्टेपल फाइबर हैं इनको कैसे मेज़र करते हैं, इंच में मेज़र करते हैं या सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं? तो जो स्टेपल फाइबर हैं इनको इंच और सेंटीमीटर दोनों में मेज़र करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल मैन मेड फाइबर्स आर फिलामेंट फाइबर। देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है कि जितने भी मैन मेड फाइबर होते हैं, अब मैन मेड फाइबर मीन्स सिंथेटिक फाइबर जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, जिनको केमिकल के थ्रू बनाया जा रहा है, तो वो हो गए मैन मेड फाइबर। अब ये कैसे होंगे, अब सिंपल सी बात है, अगर कोई हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई भी फाइबर मैन मेड बनाया जा रहा है, तो उसको हम ऐसे स्टेपल स्टेपल में तो बनाएंगे नहीं, एक बड़ा सा ऐसा फिलामेंट बनाएंगे, जितना ज़रूरी होगा उतना ऐसे ऐसे कट करते जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, मीन सही है। जितने भी मैन मेड फाइबर हैं वो फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, एक सिर्फ सिल्क एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जो फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बाकी सारे जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो स्टेपल फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स मटेरियल इनटू यार्न और थ्रेड। जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फाइबर हैं छोटे छोटे, इनको यूज़ करके यार्न बनाते हैं या फिर सिंपल सा एक थ्रेड बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब उसको जो बहुत सारे फाइबर्स को यूज़ करके जब यार्न बनाते हैं या थ्रेड बनाते हैं तो उसको कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग मीन्स एक साथ उनको बुनाई नहीं, स्पिनिंग मीन्स एक साथ उनमें ट्विस्ट देना, एक साथ उनको एक साथ मोड़ के ट्विस्ट करना, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। गिनिंग ये कॉटन की जो प्रोसेसिंग करते हैं उसका एक पार्ट है।
वीविंग जब स्पिनिंग करने के बाद जब हमारे पास थ्रेड होगा तब हम थ्रेड से जब फाइबर बनाते हैं सॉरी फाइबर से जब हम फैब्रिक बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे यार्न थे हमारे पास ये फाइबर्स थे ठीक है। फाइबर को हमने स्पिन किया बना थ्रेड। अब थ्रेड को जब हम वीव करेंगे तब बनेगा कपड़ा और स्टिचिंग मीन्स सिलाई करना। द ओनली नेचुरल मिनरल फाइबर इज ओनली नेचुरल मिनरल फाइबर। ऐसा कौन सा है इनमें से जो नेचुरल मिनरल फाइबर है? तो एस्बेस्टस जो है एक ओनली नेचुरल मिनरल फाइबर प्रेजेंट है, बाकी ये सारे मिनरल फाइबर नहीं है। अल्पाका ये नायलॉन एंड पॉलिस्टर ये कोई भी मिनरल फाइबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फाइबर टू स्प्रिंग बैक या रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर कंप्रेशन। मीन्स जो फाइबर है उसको खींचा या उसकी जो खींच के ठीक है या फिर उसका जो ओरिजिनल शेप था उसको तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर दिया उसके बाद वो वापस अपनी जो उसकी एग्जैक्ट शेप थी, जैसे कोई फाइबर है ठीक है ये है फाइबर, इसको हमने या फिर खींच के बड़ा कर दिया या फिर उसको तोड़ मोड़ के कुछ भी कर दिया उसके बाद वापस फिर से ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेजिलेंसी। एब्जॉर्बेंसी मीन्स एब्जॉर्प्शन पावर, जो नमी या जो पानी को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है वो होती है एब्जॉर्बेंसी पावर। इलास्टिसिटी मीन्स जो ये खिंचाव होता है जो फाइबर को हम खींचते हैं, जैसे रबर हो गया ये इलास्टिक है। लस्टर मीन्स चमक। द प्रोटीन ऑफ वूल, जो वूल की प्रोटीन है उसको क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कोई भी प्रोटीन नहीं है, बचा क्या? केराटिन। तो वूल की जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं केराटिन। देखो आगे ये हिंदी में है तो इस यहाँ पे भी हम लोग टिक करते चलते हैं साथ में। देखो टेक्सटाइल जो लैटिन भाषा से लिया गया है वो है वोवन। फाइबर की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं सभी। फिर क्या है, जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं उनको मेज़र किया जाता है ए और बी इंच सेंटीमीटर दोनों में। और जो मानव द्वारा निर्मित फिलामेंट हैं वो कैसे, जो मानव द्वारा जो निर्मित तंतु हैं वो कैसे होते हैं? वो फिलामेंट होते हैं, तो सही है ये भी। ऐसी प्रक्रिया जिससे जो तंतु हैं जो फाइबर हैं उनसे थ्रेड या धागा बनाया जाता है तो उसको कहते हैं कताई मीन्स स्पिनिंग। एकमात्र खनिज तंतु है सिंपल मिनरल फाइबर कौन सा है? तो वो है एस्बेस्टस। देखो यहाँ पे हमने बोला है कि जो भी तंतु है जो भी फाइबर है उसका हमने उसका जो अपना जो उसका मेल जो अपना उसकी अपनी ओरिजिनल शेप थी जो उसकी अपना ओरिजिनल आकार था उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया डिफॉर्म कर दिया उसके बाद फिर से वो अपने वापस शेप में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लचीलापन। ऊन का प्रोटीन, ऊन के प्रोटीन को क्या कहते हैं? ऊन के प्रोटीन को कहते हैं केराटिन। केराटिन इज़ द वूल प्रोटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोडक्शन ऑफ कोकून फॉर देयर फिलामेंट इज नोन एज। सिंपल सी बात यहाँ पे क्या की गई है, प्रोडक्शन ऑफ कोकून्स फॉर देयर फिलामेंट कहाँ पे होता है? ये सिंपल सी बात कर रहे हैं सिल्क प्रोडक्शन की, ठीक है। अब सिल्क के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? तो सिल्क के प्रोडक्शन को बोलते हैं सेरिकल्चर। वर्मी कल्चर जहाँ पे कंपोस्ट बनाते हैं, अर्थवर्म को जहाँ पे कल्टिवेशन करते हैं उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। टिशू कल्चर जहाँ पे टिशूज़ के बारे में टिशू को कल्चर करते हैं, टिशू के क्या बोलते हैं उनको, डिवाइडेशन होता है टिशू से नई टिशूज़ बनाना उस पर जब वर्क होता है वो होता है टिशू कल्चर। और एग्रीकल्चर तो पूरा एक ब्रांच है, इसमें कई सारे और ब्रांच आते हैं। द फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड नायलॉन इज रिफर्ड एज नायलॉन, जो सबसे पहला नायलॉन बनाया गया था। कि नायलॉन के बहुत सारे नेम हैं, हम नायलॉन को जैसे वॉश एंड वियर है एंड मैजिकल फाइबर है, तो आपको करना क्या है, आपको नायलॉन के जितने भी नाम आपको पता है कि नायलॉन को और कितने नामों से जाना जाता है उन सारे नाम से आपको कमेंट बॉक्स पूरा भर देना है। आपको सारे नाम जो हैं आपको जितने भी नायलॉन के और भी नेम हैं वो सारे आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि नायलॉन को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। दो तो मैंने ही बता दिए, वॉश एंड वियर और मैजिकल फाइबर। इसके अलावा और भी जो भी नाम आपको पता है वो सारे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो सबसे पहला जो नाम जो सबसे पहला नायलॉन मैन्युफैक्चर किया गया था उसका जो नाम था वो था नायलॉन 6-6। और ये बना था, देखो इसको ये बना किससे था, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड। 6 है, 6 को इसको अब हमें याद रखना होता है ना कि नायलॉन जो सबसे पहला नायलॉन था, नायलॉन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, जो भी केमिकल यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है। देखो ये 6-6 दो बार है तो हो गया डाई, ठीक है। और 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा, तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, ठीक है। एक तो 6 है तो हेक्सा हो गया,
अब डाई है तो मीन्स दो केमिकल होंगे, कौन कौन से होंगे, मिथाइलिन एंड एडिपिक एसिड, सिंपल सा हो गया, हेक्सा मिथाइलिन डाई एमाइन एंड एडिपिक एसिड, ओके। और नायलॉन के जितने भी नेम आपको पता है उन सारे नेम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। देखो फिर से क्वेश्चन है सिल्क से रिलेटेड, द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड बाई अ स्पीसीज ऑफ मोथ। तो सिल्क जो कीड़ा जो सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं या जो कीड़ा सिल्क देता है वो कौन सा कीड़ा है, वो होता है बॉम्बॉक्सी फिब्रोइन, तो उसकी प्रोटीन है सिल्क की, ठीक है। सेरेसिन गम है, मिल्ड्यू जो है वो कॉटन को, मिल्ड्यू एक बैक्टीरिया बोल सकते हैं या इंसेक्ट्स बोल सकते हैं जो कॉटन को या कपड़े को ख़राब करता है। स्ट्रॉन्ग फाइबर हैज़ लॉन्ग पॉलीमर्स एंड वीक फाइबर हैज़ शॉर्ट पॉलीमर्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो देखो शॉर्ट शॉर्ट पॉलीमर से अगर कपड़ा बन रहा है या फाइबर बन रहा है तो सिंपल सी बात है ये कैसे होंगे, और ये लॉन्ग फाइबर है इससे जब फैब्रिक बनेगा तो क्या होगा, तो ये ज़्यादा मजबूत होगा और ये कम मजबूत होगा। तो ये ट्रू है, जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो शॉर्ट पॉलीमर्स होते हैं ये वीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिफोर 1924 के पहले कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क उसको कहा जाता है, तो रेयन है, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। द वर्ड स्लाइवर कम्स इन यार्न कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो वर्ड स्लाइवर है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो नेचुरल फाइबर हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है तो उनकी प्रोसेसिंग की अपनी अलग अलग स्टेप्स हैं, तो ये स्लाइवर वाला जो स्टेप है वो कौन से यार्न की प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है कॉटन के लिए। सिल्क के लिए क्या होता है, रीलिंग थ्रोइंग डिगमिंग, और वूल के लिए कार्बोनाइजिंग स्काउरिंग, लिनन के लिए रिपलिंग रेटिंग हैकलिंग, तो ये बचा क्या है सिल्वरिंग, तो ये यूज़ होता है कॉटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर हिंदी में है ये, तो जो फाइबर जो सिल्क फैब्रिक जिससे बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कीट रेशम पालन पालन बोलते हैं, और नायलॉन जो सबसे पहले नायलॉन बनाया गया था उसको बोलते हैं नायलॉन 66, और ये बना होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन एंड एडिपिक एसिड। तो नायलॉन के जितने भी नेम आपको पता हैं, ये नायलॉन को और कितने नामों से जाना जाता है, ये सारे नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि कोई भी टर्म दे दिया इसका सेकेंड नेम क्या है, इसको और दूसरे नाम से किससे जानते हैं, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट पे है जो यहाँ पे रेशम कहाँ से मिलता है, तो बॉम्बॉक्सी मेरी, और यहाँ पे बोला गया जो लॉन्ग पॉलीमर होते हैं या जो शॉर्ट पॉलीमर होते हैं, जो लॉन्ग पॉलीमर होते हैं वो मजबूत होते हैं और जो शॉर्ट पॉलीमर्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो ये भी ट्रू है। 1924 के पहले जो कृत्रिम रेशा किसको कहते थे, तो वो था रेयन, और सिल्वर जो शब्द है ये यूज़ किया जाता है कॉटन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विस्कस रेयन इज़ मेड बाई, देखो एक तो पहले तो रेयन ठीक है, उसके बाद टर्म दे दिया विस्कस, विस्कस मीन्स जहाँ पे चिपचिपा पदार्थ बना के, अब कोई भी चिपचिप जैसी चीज़ है तो सिंपल सी बात है वो कैसे बनेगा, वेट स्पिनिंग, जो विस्कस रेयन है वो बनता है वेट स्पिनिंग से। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लीचेस आर, जो बहुत ज़्यादा ब्लीचेस यूज़ की जाती हैं कपड़ों पे वो कौन सी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीच, हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीच है ये, कॉटन एंड सिल्क या सिल्क है वूल है इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ये आया SPI, SPI का फुल फॉर्म क्या है, SPI स्टैंड्स फॉर स्टिच पर इंच, मीन्स एक इंच का जो कपड़ा है, से एक इंच का कपड़ा लिया उसमें कितने स्टिच आ रहे हैं इसको बोलते हैं स्टिच पर इंच। यहाँ पे है पटोला बिलोंग्स टू, पटोला कहाँ से बिलोंग करता है, पटोला ये है जो गुजरात से बिलोंग करता है, बनारस से ब्रोकेड है, ठीक है, बंगाल से जामदनी है। अब साउथ इंडिया की बात करें, अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो कांजीवरम, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो पैठनी, ये कुछ वहाँ के फेमस ट्रेडिशंस हैं या फेमस हम बोल सकते हैं कपड़े हैं, तो पटोला जो है वो गुजरात से बिलोंग करता है। द टर्म सिलट इज़, जो सिलट एक टर्म है वो यूज़ किया जाता है जो आउटर शेप होता है कपड़े का, जैसे कोई भी टी शर्ट है ये, ठीक है, तो इसका जो आउटर शेप है इसको हम बोलेंगे सिलट। अ लाइन वेयर कॉलर जो है वो नेक से, जहाँ पे कॉलर जो है वो नेक से जुड़ रही है, तो कॉलर किससे जुड़ रही है, नेक से जुड़ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा नेक लाइन। अब नेक से जुड़ रही है क्योंकि कॉलर तो नेक लाइन तो होगी, कोई भी टी शर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो ये एक नेक लाइन तो होगी,
ठीक है, क्योंकि गला जहाँ से बना रहे हैं, नेक बना रहे हैं, तो ये नेक लाइन तो होगी, कॉलर तो एडिशनल है, आके जोड़ेंगे तो ये नेक लाइन पे जो है वो कॉलर जोड़ी जाती है, तो उसको बोलते हैं नेक लाइन। फील एंड अपीयरेंस ऑफ एनी सरफेस इज, कोई भी सरफेस है उसको हम टच कर रहे हैं तो वो कैसा फील आ रहा है, वो कैसी दिख रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेक्सचर। ये सब जो है एलिमेंट ऑफ आर्ट हैं, आर्ट के जो एलिमेंट हैं कि टेक्सचर हो गया, शेप है, कलर है, लाइन है, ये सब एलिमेंट हैं आर्ट के। स्टिच डज नॉट हैव, स्टिच जो ये सिलाई का टांका होता है या स्टिच होता है, इसमें क्या नहीं होता है, साइज, टेंशन, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। साइज भी होता है, टेंशन भी होता है, कंसिस्टेंसी भी होता है, जो नहीं होता है वो है डेप्थ। सिलाई का जो ये स्टिच है इसमें डेप्थ नहीं होता है, मीन्स गहराई नहीं होती है। अभी आते हैं हिंदी में, चलो हिंदी में भी देखते हैं। विस्कस रेयन जो है वो बनता है मेल्ट स्पिनिंग से। ये देखो, ये इसका आंसर है मेल्ट, मेल्ट स्पिनिंग है। उसके बाद अधिकांश उपयोग में आने वाला विरंजक या फिर ब्लीच जो है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हर कॉटन हो, सिल्क हो, मीन्स एनिमल ओरिजिन का हो या प्लांट ओरिजिन का हो, किसी भी ओरिजिन का फैब्रिक हो, उन पर यूज़ किया जाता है। SPI का फुल फॉर्म क्या है, स्टिचेज पर इंच। पटोला जो है वो गुजरात से रिलेटेड है, बनारस से ब्रोकेड है, बंगाल से जामदनी साड़ी है। दक्षिण भारत से बात करें तो महाराष्ट्र में पैथनी है, तमिलनाडु में कांजीवरम है। फिर आता है सिलट, जो सिलट होती है वो कपड़े की जो बाहरी आकार होता है उसको बोलते हैं सिलट। गले से कॉलर को जोड़ना उसको बोलते हैं नेक लाइन। फिर आता है किसी ऊपरी तरह तर जो ऊपर का जो सरफेस है उसको टच करना या देखना, कैसा वो क्या होता है, वो होता है टेक्सचर। जो टाके हैं, जो स्टिच है, उनमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो उनमें गहराई नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कटान सिल्क इज़ अनब्लीच्ड सिल्क। जो कटन सिल्क होता है ये अनब्लीच सिल्क होता है, तो ये गलत है। कॉटन सिल्क भी ये ब्लीच सिल्क होता है। दिस कम्बाइंस विद द आयरन टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। इनमें से क्या है जो आयरन के साथ कम्बाइन करके बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है, तो वो होता है कॉपर। जिंक जो है वो इंसुलिन में यूज होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये जिंक जो है इंसुलिन का एक कंपोनेंट होता है। और आयरन जब जहाँ पे ब्लड बनाने की बात आती है, आयरन के साथ जब कम्बाइन होता है वो होता है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीफ गाइड इन द सिलेक्शन ऑफ फूड इन द पास्ट। पास्ट के टाइम में पहले जब फूड का सिलेक्शन करते थे तो उसको क्या क्राइटेरिया यूज़ करते थे फूड की सिलेक्शन के लिए, वहाँ का कस्टम क्या है, लोगों की हैबिट क्या है, उनको भूख कैसी लगी है, तो ये ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फूड रिसर्च लैब एट कन्नूर, कन्नूर में जो फूड रिसर्च लैब है उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो मेनली उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किस चीज़ पर कंडक्ट होते हैं, तो जो कन्नूर वाली जो फूड लैब है उसमें जो मेनली जो रिसर्च हैं वो कंडक्ट होते हैं सोयाबीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैरोटीन इन द बॉडी चेंजेस इनटू विटामिन ए। जो कैरोटीन है इसको हम प्रो विटामिन ए या विटामिन ए का प्रिकर्सर भी बोलते हैं, तो ये है कैरोटीन। जो विटामिन ए में चेंज होता है हमारी बॉडी में, तो ये विटामिन ए में कहाँ पे जाके चेंज होता है, तो ये लीवर में जाके चेंज होता है विटामिन ए में। फिर आया है ग्लाइकोजन इज़ स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तब लीवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में स्टोर होता है, तो जो ग्लाइकोजन है ये लीवर और मसल दोनों जगह में स्टोर होता है। और जब हमारी बॉडी जब हम कोई हम मीन्स हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो रहा है, लीवर में स्टोर हो रहा है, मसल्स में स्टोर हो रहा है, फिर जब कभी बॉडी को फास्टिंग होती है या देर तक एनर्जी नहीं मिलती है, तब यही ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे ये है जो लीवर वाला जो ग्लाइकोजन है ये पूरी बॉडी यूज़ करती है, बट जो मसल्स में जो ग्लाइकोजन यूज़ स्टोर है, ये ग्लाइकोजन जहाँ पे स्टोर है बस वहीं पे यूज़ होता है। जो मसल जिस मसल में ग्लाइकोजन स्टोर है सिर्फ वही मसल ये ग्लाइकोजन यूज़ करेगी, बट जो लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है उसको पूरी बॉडी यूज़ करती है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी में, कॉटन रेशा इन ये ब्लीच्ड होते हैं, तो ये गलत है। कॉटन रेशा भी ब्लीच्ड होते हैं, ये दिया है अब्लीच्ड, तो ये गलत है। आयरन से कौन सा मिनरल जो है आयरन से मिलता है जब हीमोग्लोबिन बनता है, तो ये कॉपर हो गया। तो भोजन में पहले जब
पहले जब भोजन का सिलेक्शन करते थे, फूड का सिलेक्शन करते थे, तो क्या गाइडलाइंस यूज़ होती थी? तो ये उपरोक्त सभी, जो कुन्नूर फूड लैब है वहाँ पे मेनली सोयाबीन पे रिसर्च किया जाता है। शरीर में जो विटामिन ए है, जो कैरोटीन है, वो उसका कन्वर्जन होता है विटामिन ए में, तो कहाँ होता है? तो वो लीवर में होता है। ग्लाइकोजन कहाँ हमारी बॉडी में स्टोर होता है? तो ये भी लीवर एंड मसल्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ल्यूसिन इज एन, तो ल्यूसिन क्या है? ल्यूसिन एक एसेंशियल एमिनो एसिड है। तो अगर आपको ये एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड पे एक वीडियो है, जिसमें हमने ट्रिक के बारे में डिस्कस किया है कि जो एसेंशियल एमिनो एसिड है और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है उनको कैसे लर्न करें, तो उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर देखिएगा। फिर आता है, बाइटआउट स्पॉट इज़ अ डिफिशेंसी ऑफ, जो बाइटआउट स्पॉट है वो कौन से विटामिन की डिफिशेंसी से होता है? तो जो बाइटआउट स्पॉट है वो विटामिन ए की डिफिशेंसी से होता है, विटामिन डी की डिफिशेंसी से रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है एंड ऑस्टियोपोरोसिस होता है, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन बी अगर बी वन की बात करें तो थायमिन बेरीबेरी, बी टू की बात करें राइबोफ्लेविन से जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइनोडर्मा इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ, फाइनोडर्मा जो डिफिशिएंसी डिजीज़ है एसेंशियल फैटी एसिड की, जहाँ पे फैट की जो एसेंशियल जो फैटी एसिड्स हैं उनकी डिफिशिएंसी से फाइनोडर्मा होता है। फाइनोडर्मा मीन्स रफ स्किन हो जाती है, जो रफ स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, स्किन पे रेड रेड पैचेज आने लगते हैं, तो ये होता है फाइनोडर्मा। थायमिन डिफिशियंसी लीड्स टू, हमने अभी बात की, थायमिन डिफिशियंसी लीड्स टू बेरी बेरी, पेलेग्रा, नियासिन मीन्स B3, एनीमिया आयरन की कमी से हो जाता है, ये B3, स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जांपल्स फॉर फैट सोलुबल विटामिन ई, विटामिन ई के फैट सोलुबल एग्जाम्पल क्या हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी ADEK, तो ये ADEK जो है ये फैट सोलुबल विटामिन है, इसको याद करने के लिए ये भी लिख सकते हैं KEDA मीन्स कीड़ा, कीड़ा इज सोलुबल इन फैट सोलुबल विटामिन, कीड़ा जो है ये फैट सोलुबल है, तो विटामिन ADE और K। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो यहाँ पे जो भी जितने भी सोर्स दिए हैं, आंवला है, ग्वावा है, लाइम जूस है, तो ये ऑल ऑफ दीज हैं, ये सभी यहाँ पे रिच सोर्स हैं। बट यहाँ पे अगर कुछ और दिया होता, लाइक अगर पालक दे दिया होता, ठीक है, पालक या फिर स्पिनच कुछ भी लिख दो, तब यहाँ पे अगर पूछता कि विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है, तब हम सेलेक्ट करते आंवला। बट यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जब दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। द ग्रॉस एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट इज, फैट की जो ग्रॉस एनर्जी वैल्यू है वो क्या है? वो है 9.45। देखो ग्रॉस एनर्जी वैल्यू क्या है, जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जो भी एक्सपेरिमेंट का जो इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है, वहाँ से जो एनर्जी आ रही है फैट की, उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। तो वो हो जाता है 9.45। जब हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी फैट हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसके डाइजेस्ट के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो जो बॉडी में जो फैट डाइजेस्ट होती है, तब वो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करता है। बट अगर हम बात करते हैं ग्रॉस की, मीन्स मैकेनिकली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं थ्रू मैकेनिकल, थ्रू मशीन्स हम जब चेक करते हैं कि ग्रॉस एनर्जी वैल्यू क्या है, तब जो फैट की वैल्यू आती है वो 9.45 आती है। कैबेज एंड कली फ्लावर कंटेन करते हैं गाइट्रोजन्स, तो ये ट्रू है। और गाइट्रोजन्स क्या हैं? ये आयोडीन को बाइंड कर देते हैं, जिससे आयोडीन हमारी जो हमारी आयोडीन है थायराइड ग्लैंड तक नहीं पहुंचती है, जिससे वहाँ पे थायराइड ग्लैंड का जो वर्क है, जो थायराइड ग्लैंड का जो काम है, वो इम्पेयर होता है। तो गाइट्रोजन्स जो हैं ये आयोडीन को बाइंड कर देते हैं और ग्लैंड तक, थायराइड ग्लैंड तक नहीं पहुँचने देते हैं। तो कैबेज है, कली फ्लावर फैमिली के जो भी फ्रूट हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनमें गाइट्रोजन्स पाया जाता है। अब हिंदी में देखते हैं, ल्यूसिन क्या होता है? ये एसेंशियल एमिनो एसिड है। बाइटआउट स्पॉट होता है विटामिन ए की कमी से। अब हम बात करते हैं फाइनोडर्मा, तो फाइनोडर्मा क्या है? ये एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से होता है। थायमिन बेरी बेरी, फैट में जो सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो कौन से हैं? ADEK। विटामिन सी का सोर्स, अच्छा सोर्स क्या है? तो सभी ऑल ऑफ द अबव। एनर्जी का ग्रॉस वैल्यू क्या है फैट की? तो वो 9.45 है। जो फूल गोभी और बंद गोभी जो ग्वाइट्रोजन्स होते हैं, तो ये भी सही है, फूल गोभी और बंद गोभी में ग्वाइट्रोजन्स होते हैं।
एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म ऑफ BMR, BMR का फुल फॉर्म क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है BMR का फुल फॉर्म है। बेसल मेटाबॉलिक रेट मीन्स जब हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, मीन्स जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, उस टाइम भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रिस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, और बॉडी में जो अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। द मेथड फॉर इन्हेंसिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू, इनमें से कौन से मेथड हैं जो न्यूट्रिटिव वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, फोर्टिफिकेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल द एबव ये हैं इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑल द एबव। जर्मिनेशन मीन्स जो अंकुरण करते हैं, स्प्राउट्स बनाते हैं, ये हो गया जर्मिनेशन। फर्मेंटेशन जैसे इडली है, डोसा है, इन सब का जो बैटर बनाते हैं वो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से विटामिन बी और विटामिन सी इम्प्रूव होता है, जर्मिनेशन से विटामिन सी इम्प्रूव होता है। फोर्टिफिकेशन से जैसे आयोडीन वाला नमक है, उसमें सोडियम पोटेशियम आयोडेट से हम उसको फोर्टिफाई करते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू को इम्प्रूव करती हैं। टू बीट विद अ रैपिड लिफ्टिंग मोशन टू इनकॉर्पोरेट एयर, जब केक वगैरह बनाते हैं तो जो केक का जो बैटर बनाते हैं उसको बीट करते हैं, जैसे उसमें एयर का इनकॉर्पोरेशन हो जाए, और जब एयर का इनकॉर्पोरेशन अच्छा होता है तो जो केक है वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वीप करना, वीपिंग। ओरल फ्लूड डज नॉट इंक्लूड, इसमें कौन सा ओरल फ्लूड है, इसको फ्लूड है जिसको ओरल फ्लूड की तरह से इंक्लूड मतलब यूज़ नहीं करते, तो जो फ्रूट पंच हैं इनको ओरल फ्लूड की तरह यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ डन बाई इमर्जिंग द फूड इन अ लिक्विड जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स ऐसा कौन सा कुकिंग मेथड है जिसमें फूड को पकाया जाता है जस्ट एक, देखो दो कंडीशन दी हैं, एक तो पानी में पूरा इमर्ज होना चाहिए, मीन्स पानी जितना है, पानी जो जो भी फूड जैसे ये फूड है तो फूड के ऊपर तक पानी होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से बिल्कुल नीचे होना चाहिए, जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे जस्ट नीचे होना चाहिए, तो क्या होता है ये होता है सिमरिंग। और इधर क्या है क्वेश्चन, एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ नियासिन, नियासिन का प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ एन इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कुकिंग, इनमें से इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कुकिंग कौन सा है? तो जो सोलर कुकिंग है ये इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कुकिंग है, बाकी माइक्रोवेव कुकिंग इसमें रेडिएशन होते हैं, फ्राइंग फ्राई करके कुक करते हैं, ऑयल फ्राइंग, प्रेशर कुकिंग, तो ये इसमें जो इको फ्रेंडली मेथड है वो है सोलर कुकिंग। इधर वाला क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज एंड स्टेबिलिटी थ्रू द ह्यूमन लाइफ स्पैन, डेफिनेशन वॉज गिवन बाई। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट की साइंटिफिक स्टडी, ये प्रोसेस है चेंज एंड स्टेबिलिटी थ्रू द ह्यूमन लाइफ स्पैन, डेफिनेशन वॉज गिवन बाई। तो देखो निकल एंड ऑर्सी तो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है नहीं, ये कट गया, और उसके बाद जो हरलॉक ने दिया था तो उन्होंने बोला था कि ऑर्डरली और कोहरेंट डेवलपमेंट होता है, तो आंसर क्या हो गया, लॉरा ई बर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हिंदी, देखो इसका हिंदी में देख लेते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट और पौष्टिक मूल्यों को न्यूट्रिटिव वैल्यू को इम्प्रूव करने के क्या तरीके हैं, तो ये सभी तरीके हैं। वायु को जो हम जो बीटिंग कर रहे हैं या केक बनाने के लिए, ठीक है, उसमें एयर का इनकॉर्पोरेशन करना, उसको कहते हैं वीप करना या देखो वीपिंग करना, चाबुक मारना। मुख्य द्रव्य में या शामिल नहीं होता है, तो जो फलों का रस है ये, इसको हम ओरल फ्लूड की तरह यूज़ नहीं करते हैं, जो मीन्स बॉइलिंग पॉइंट से जस्ट बिलो होना चाहिए, और जो फूड है वो पानी में पूरा इमर्ज होना चाहिए। वहाँ पे जो कुकिंग मेथड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो खत बदाना सिमरिंग, ठीक है, जो नियासिन का जो पूर्वगामी या प्रिकर्सर होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह पकाने की प्रस्थित मीन्स इको फ्रेंडली मेथड है, कुकिंग का इको फ्रेंडली मेथड क्या है? तो जो सोलर सिस्टम है, सोलर कुकिंग है, ये कुकिंग का इको फ्रेंडली मेथड है। और यहाँ पे बात किया कि मानव के जीवन काल में आने वाले परिवर्तन और स्थिरता की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास है, ये दिया है लॉरा ई बर्क ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी लास्ट
फ्रॉम जो इन्फेंसी का पीरियड है वो कब से कब तक होता है, तो जो पीरियड इन्फेंसी का जो पीरियड होता है वो 2 वीक से 2 ईयर तक का होता है, और कहीं कहीं पे ये जो 0 से 2 ईयर के बीच 2 वीक के बीच का टाइम है इसको नियोनेट पीरियड भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे ये नियोनेट पीरियड जो है वो 28 डेज का भी बताया है। तो अगर यहाँ पे पूछा है इन्फेंसी, तो इन्फेंसी जो हो जाएगा 2 वीक से 2 ईयर तक के पीरियड को इन्फेंसी कहते हैं। पीरियड ऑफ ओवम लास्ट फ्रॉम ओवम, जो ओवम का पीरियड होता है वो कब से कब तक का होता है, तो 0 से 2 वीक तक का जो पीरियड होता है वो होता है ओवम, ठीक है। 2 से 8 तक के जो 2 से जो 8 वीक तक का होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, और 9 से जो टिल डिलीवरी तक का होता है उसको बोलते हैं फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोटर कंट्रोल प्रोसीड करता है फ्रॉम हेड रीजन टू द लेग रीजन। देखो यहाँ पे सिंपल सा डेवलपमेंट का ही बात किया है, लॉ ऑफ डेवलपमेंट की, जो डेवलपमेंट हेड से स्टार्ट होकर लेग रीजन तक जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेफलोकोडियल लॉ। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो सेंटर से पेरीफ्री तक हो जाता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ। द फीटस इज कवर्ड विद अ वाइट ऑयली ग्रीस लेयर कॉल्ड एज, जो फीटस है जो वो पूरा जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसका पूरी स्किन जो है वो एक वाइट वाइट सब्सटेंस से कवर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोआ कैसियोसा। लेनिगो क्या होते हैं, जो फीटस जो इन्फेंट है उसकी बॉडी पूरी बॉडी में जो छोटे 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 से हेयर्स होते हैं उनको लेनिगो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इज प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये स्टॉप हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको एक टर्म दिया गया है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमेनोरिया, मेनार्की। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उसको बोलते हैं मेनार्की, मिसकैरियज एंड फटीग तो अलग है। तो जो एमेनोरिया है ये स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द बेबी बटक और लेग्स कम्स आउट फर्स्ट इन द चाइल्ड बर्थ इज़ रिफर्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, जब बेबी का जो पहले बटक्स आते हैं उसके बाद लेग आता है उसके बाद चाइल्ड आता है, तो उसको बोलते हैं ब्रीच बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज, जो पूरी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है उसको क्या बोलते हैं, उसको जेस्टेशनल प्रेगनेंसी भी जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी के टाइम कोई वुमेन है उसको पहले डायबिटीज़ नहीं था, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंज हुआ फिजिकल चेंज हुआ तो उसमें उसको डायबिटीज़ हो गया, तो उस डायबिटीज़ को भी बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। इंसोमनिया रिफर्स टू, इंसोमनिया क्या है, मीन्स जब नींद नहीं आती है उसको बोलते हैं इंसोमनिया, तो स्लीपनेसनेस इज़ रिफर्ड एज इंसोमनिया। अब देखते हैं इनका हिंदी में, बालकपन मीन्स इन्फेंसी होती है 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक, ओवम की अवधि क्या होती है 0 to 2 वीक तक, मोटर नियंत्रण जो सर से लेकर पांव तक होता है उसको बोलते हैं सेफलोकोडियल लॉ, और जो सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक मीन्स पहले हाथ में होगा फिर फिंगर्स में होगा उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो न्यूली बॉर्न बेबी या इन्फेंट है या फीटस है उस पर पूरा सफ़ेद चिकना एक लेयर लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनावर्त एमेनोरिया। जब प्रसव के समय बच्चे का नितंब फिर पांव बाहर आते हैं उसको कहते हैं ब्रीच बर्थ। जो गर्भावस्था की अवधि उसको क्या कहते हैं, उसको गर्भावधि या जेस्टेशनल पीरियड भी कहते हैं। अनिद्रा मीन्स जहाँ पे नींद नहीं आती है उसको बोलते हैं स्लीपनेसनेस इनसोम्निया। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और आपको जो क्वेश्चन था वो है नायलॉन, नायलॉन के और कितने नाम है, नायलॉन को और कितने नाम से जाना जाता है, ये सारे नाम आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताने हैं। एंड वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी भी होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। एंड ये है इसका, ये DSSB का हमने जो ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है ये 2015 का है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी मिलेगा आपको। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।